हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो है, तो आप जो है इसको कैसे इजीली हार्ड रिसेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो है कई बार ऐसा होता है कि आप पासवर्ड लगाकर जो है भूल जाते हैं लॉक स्क्रीन का, तो आपको हार्ड रिसेट करना पड़ता है। लेकिन हार्ड रिसेट करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी डाटा था वो पूरा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ फ़ोन को हार्ड रिसेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए, पावर बटन को होल्ड कीजिए और यहाँ पर आपको पावर ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फ़ोन जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर वैल्यूम अप बटन और पावर बटन जो है आपको एट ए टाइम प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी मैं जो है यहाँ पर पावर बटन और वैल्यूम अप बटन जो है एट ए टाइम प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आपके फ़ोन में जो है डिस्प्ले पर जो है रेडमी का लोगो आ जाएगा, तो आपको जो है पावर बटन को जो है रिलीज़ कर देना है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रेडमी का लोगो यहाँ पर आते ही आपको जो है पावर बटन को रिलीज़ करना है और वैल्यूम अप बटन को आपको जो है होल्ड करना है इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मेन मेनू आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मेन मेनू को यूज़ कैसा करना है, आपको वैल्यूम डाउन बटन जो है नीचे आने के लिए यूज़ करना है, वैल्यूम अप बटन आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। और मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको जो है ओके के लिए यहाँ पर जो है पावर बटन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर वाइप डाटा पर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वाइप ऑल डाटा, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म के ऊपर सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और पावर बटन को आपको जो है प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन का जो भी डाटा था वो सारा डाटा यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप जो है वेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा वाइप सक्सेसफुली, तो यहाँ पर बैक टू मेन मेनू पर जो है आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से, यहाँ पर सेलेक्ट कर कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको पावर बटन से यहाँ पर सेलेक्ट करना है रिबूट वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर रिबूट कर देना है। फिर यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम आपको जो है पावर बटन प्रेस कर कर इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन को जो है सेटअप कीजिए। तो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर फ़ोन को सेटअप करने के बाद आपके पास जो है आपका फ़ोन बिल्कुल यहाँ पर हार्ड रिसेट जो है कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।